तो पढ़ाई के बारे में बात करें तो ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है क्योंकि यहाँ से हम पढ़ के जितने भी मेरे दोस्त पीछे हैं जी मुझे गोल्ड मेडल के साथ चांसलर मेडल भी मिला है। पढ़ाई बहुत ज्यादा डिफरेंट तो नहीं होता है, बस जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज अच्छा मेडल मिला, मेरे बच्चे को भी मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ यूनिवर्सिटी क्योंकि आज है हम लोग के सीनियर्स का कॉन्वोकेशन और ये जो कॉन्वोकेशन है ये थर्ड कॉन्वोकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का, ये थर्ड कॉन्वोकेशन है और यहाँ पे अभी आने वाले हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर और फिर चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे ये तीनों आने वाले हैं, अभी तो टाइम नहीं हुआ है, फिलहाल कुछ टाइम अभी बाकी है आने में उनका। और अभी जो है सारे सीनियर्स लोग, देख सकते हैं आप लोग, सारे सीनियर्स लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप देखते हैं इनका सेरेमनी कैसे स्टार्ट होता है, इस बार का कॉन्वोकेशन कैसा रहता है, अभी देखते हैं। तो फाइनली अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कैंपस के अंदर में एंटर कर चुकी है प्रेसिडेंट और ये जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं जिनके बीचों से उनकी गाड़ियां गुजर रही है। और ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और सही टाइम में ही प्रेसिडेंट आई, इनका 11 बजे का ही टाइमिंग था और ये एग्जैक्ट 11 बजे ही पहुंची। अधिक देर तो ये रुक नहीं पाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे केवल ये 1 घंटा रुक पाएंगे, उसके बाद इनको फिर उड़ीसा के लिए निकलना है। तो अभी प्रेसिडेंट, गवर्नर और सीएम आ गए हैं ना, पूरा खाली हो गया है, सारे स्टूडेंट अंदर चले गए हैं। तो अभी वहाँ जो है सेरेमनी हो लेगा, उनका कॉन्वोकेशन का जो सेरेमनी है वहाँ पे हो लेगा, उसके बाद जो है सारे सीनियर्स लोग बाहर आएंगे गोल्ड मेडल लेके, अपना सर्टिफिकेट लेके ना, उसके बाद हम उनसे कुछ कुछ सब थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे उनसे और हम लोग भी थोड़ा सा इंस्पायर होंगे ना, बताओ, थोड़ा बहुत उनसे बातचीत करेंगे। तो अभी जो है देखते हैं उनका सेरेमनी कब ख़त्म होता है, कब उन लोग बाहर निकलते हैं। यही रहा स्टेज जहाँ पे कॉन्वोकेशन होने वाला है, तो सभी कोई तो आ चुके हैं, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर लोग तो पहले ही आ चुके हैं और इनका वेट किया जा रहा था। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे वाइस चांसलर, उसके बाद जो कि चांसलर आ रहे हैं, उसके बाद है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, फिर आ जा रहे हैं हमारे जो कि चीफ मिनिस्टर, इसके बाद जो है हमारे गवर्नर आ रहे हैं और इनके बाद जो कि आएंगी हमारी प्रेसिडेंट। सभी कोई तो स्टेज के ऊपर में आ गए हैं और अभी केवल प्रेसिडेंट 3 ही मेडल देंगे, जो चांसलर मेडल है, जिनको जिनको चांसलर मेडल मिलने वाला है, जिन स्टूडेंट को, केवल उन्हीं को चांसलर मेडल पहनाने के बाद वो वापस चली जाएंगी। स्टेज में आने के बाद सबसे पहले अभी वाइस चांसलर के द्वारा प्रेसिडेंट का स्वागत किया जा रहा है। अब हो रहा है कॉन्वोकेशन सेरेमनी स्टार्ट। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि प्रेसिडेंट केवल 3 ही स्टूडेंट को गोल्ड मेडल पहनाएंगे, जिनको जिनको चांसलर मेडल मिलने वाला है केवल उन्हीं को पहनाएंगे, उसके बाद वो चली जाएंगे। तो यहाँ पे 2 तरह का मेडल है, जैसे कि मैं अभी बताई चांसलर मेडल, चांसलर मेडल वो स्टूडेंट लोग को मिलने वाला है जो कि पूरा यूनिवर्सिटी में, पूरा यूनिवर्सिटी में उन लोग टॉप किए हुए हैं। बाद और एक जो मेडल है वो हर एक डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट टॉप किए हुए हैं, हर एक डिपार्टमेंट में जिनका सबसे अधिक मार्क्स आया है, जो सबसे अधिक परसेंटेज लाए हुए हैं, उनको भी मेडल मिलने वाला है। चांसलर मेडल दिए जाने के बाद जो बाकी का गोल्ड मेडल है वो चांसलर और जो डिपार्टमेंट के डीन है उनके हाथों से दिया जाएगा। तीनों स्टूडेंट को चांसलर मेडल पहनाने के बाद अब प्रेसिडेंट यहाँ से निकल रही है और यहाँ से सीधा अभी वो उड़ीसा के लिए निकलेंगे, उनका जाने का टाइम हो गया है। प्रेसिडेंट तो चली गई और अभी इसीलिए जो है काफी कोई बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, अभी हम लोग एंट्री अंदर हम लोग जा सकते हैं बिना पास के भी, तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर में क्या क्या है थोड़ा सा देखते हैं। एंट्री गेट में यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे दूर से ही दिख रहा है देखिए, और यहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि 4 मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ है और अंदर में जो है काफी सारे लोग आ गए हैं। अभी पहले तो यहाँ पे आना अलाव नहीं था बिना पास के, बिना पास के यहाँ पे अंदर आ नहीं सकते थे, लेकिन अभी जो है जब प्रेसिडेंट यहाँ से चली गई तो यहाँ पे अभी हम लोग अंदर आ सकते हैं। और ये है वेटिंग एरिया, यहाँ पे जो है पेरेंट्स वेटिंग वेट कर रहे हैं, अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट भी है और अंदर में जो कि सर्टिफिकेट मेडल वगैरह अंदर में दिया जा रहा है। और यहाँ पे मिल रहा है खाना, इनको सर्टिफिकेट पहले ही मिल गया है इसीलिए इन लोग जो है ऑडिटोरियम से बाहर आ गए, बाहर निकल गए हैं और अभी यहाँ से खाना ले रहे हैं।
टोटल स्टूडेंट को तो अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, टोटल 1500 से अधिक स्टूडेंट है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और जिनको जिनको गोल्ड मेडल मिला है, जो जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आप कौन सा डिपार्टमेंट है? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो आपको अब कैसा फील हो रहा है, आपको गोल्ड मेडल? अच्छा फील हो रहा है, ये कैंपस जो हम यहाँ पे पढ़ के गए थे इतने दिन के बाद आए और ये गोल्ड मेडल मिला, बहुत खुश लगा। तो आपको ये गोल्ड मेडल कौन कौन पहना है, कौन किसके हाथों से मिला? प्रेसिडेंट तो आए थे मगर उनका टाइम नहीं था, वो चले गए थे और बिजी थे और यहाँ के सीएम थे। अच्छा, तो आपका नाम क्या हुआ? कुंजो बिहारी मोहंती। जूनियर्स को क्या आप बताना चाहेंगे कि वो किस टाइप से पढ़ाई करें, वो कैसे करें कि आपकी तरह से गोल्ड मेडल उनको भी हासिल हो? तो पढ़ाई के बारे में बात करें तो ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ओके। क्योंकि यहाँ से हम पढ़ के जितने भी मेरे दोस्त पीछे हैं, और हम भी अभी लेक्चरशिप कर रहे हैं, लेक्चरशिप ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पास एरिया में कॉलेज में, तो यहाँ के पढ़ाई का कल्चर है बहुत अच्छा है। मैं तो हमेशा सरप्राइज करता हूँ कि मेरा यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा है, और अभी तो मन नहीं है जाने के लिए, हम यहाँ पे घूम रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपके डिपार्टमेंट में आप लोग कितने स्टूडेंट में से आपको गोल्ड मेडल मिला? ये हमारे टाइम में 104। तो आप बाकी और सबसे भी बात करते हैं जिन्हें जिन्हें सर्टिफिकेट मिला है, सबसे एक बार थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? लता मंजरी है। ओके, आपको सर्टिफिकेट मिला, आपको कैसा फील हो रहा है अभी? सर्टिफिकेट मिला, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और सर्टिफिकेट तो मिल ही गया और सारे दोस्तों से मिल भी लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि आप अपने जूनियर्स को कैसा क्या बताना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करें? अच्छा, पढ़ाई करो या नहीं करो, बट मजे करो और सीयूजे में मजे ही करो, ये डिपार्टमेंट सारा हो जाएगा, ऐसे भी काम हो ही जाता है, बस मजे करो। तुम कौन से डिपार्टमेंट से है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सबके सब एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही है। और किन्हीं से बात करते हैं? आपका नाम क्या हुआ? बेलाल सेन नायक बेलाल बोलते हैं। तो आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से? हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपको आज जो है आज सर्टिफिकेट मिला, कैसा फील हो रहा है, अंदर से कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़े और इसी के बदौलत हमें आज नौकरी भी मिला है। अच्छा, नौकरी भी मिला है। थैंक्स टू द यूनिवर्सिटी, थैंक्स टू सारे टीचर, सब लोगों को धन्यवाद है तहे दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिला वो किनके हाथों से मिला आपको? हमारे डीन सर के हाथों से मिला। नियम के अनुसार तो जूनियर्स को खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें भी एक बॉक्स मिल गया है खाना का, और यहाँ पे काफी सारा चीज है, जैसे कि दही है, मीठा है, और इधर साइड है बिरयानी और कुछ कुछ है, और एक पानी का बोतल भी है यहाँ पे। सर्टिफिकेट लेने के बाद एक ग्रुपिंग फोटो चल रहा है, सभी का अपना अपना ग्रुपिंग फोटो चल रहा है, और यहाँ पे जो है जिनको जिनको सर्टिफिकेट मिला वो लोग जो है ऑडिटोरियम से बाहर निकल के अपने अपने जाने लग गए हैं। तो अभी नीचे चलते हैं और किन्हीं किन्हीं और गोल्ड मेडलिस्ट से बात करते हैं थोड़ा। तो अभी और एक गोल्ड मेडलिस्ट हमें मिल चुके हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ये कौन से डिपार्टमेंट से है और कैसा इन्होंने आप पढ़ाई किया, कैसे किए, ये अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट से है? जी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके ओके, तो ये जो गोल्ड मेडल मिला है वो कैसे मिला आपको, मतलब? पढ़ाई करके, मेहनत करके। जैसे मिलता है पढ़ाई किए? कुछ नहीं, जैसे इंजीनियर करते हैं उसी स्टाइल से, रात में। ओके, तो आपके ऊपर वाले की दुआ है। आपका नाम क्या हुआ? उत्पल। उत्पल, ओके। तो आप अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे? मजे करिए, पढ़ाई कीजिए, जहाँ मजे करने वहाँ मजे कीजिए, जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी कीजिए, रूटीन के अनुसार सारा काम, रूटीन के अनुसार के हिसाब कीजिए, और बाकी तो भगवान है देखने के लिए। यूनिवर्सिटी, मतलब ये यूनिवर्सिटी आपको कैसा लगा, मतलब यहाँ पढ़ाई करके आपको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अच्छा यूनिवर्सिटी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी थी, अब तो वो भी नया कैंपस में सारा कुछ मिल रहा है, बाकी टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी वगैरह अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो ओवरऑल ठीक ही है। Okay, अच्छा है, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम श्रीदेव उपाध्याय हुआ। ओके, तो आपको सर्टिफिकेट मिला, तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको, किनके हाथों से सर्टिफिकेट अच्छा मिला? लगा, मुझे मेरे डीन के हाथों से सर्टिफिकेट मिला। Okay. डिपार्टमेंट के हेड थे। तो आप दोनों सेम डिपार्टमेंट से हैं? हाँ, हम दोनों सेम डिपार्टमेंट से। तो वो जो आपको गोल्ड मेडल मिला वो किनके हाथों से मिला आपको? जी, मुझे गोल्ड मेडल के साथ चांसलर मेडल भी मिला है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा। चांसलर मेडल भी मिला है आपको, तो दो दो मेडल मिले हैं क्या आपको? ओके, तो भैया को जो है दो दो मेडल मिले हुए हैं, और राष्ट्रपति के हाथों से मिला। दो दो मेडल ये किन किन, मतलब आपके डिपार्टमेंट से एक मिला है, एक अपने डिपार्टमेंट को टॉप करने के लिए और एक ओवरऑल टॉप। बहुत बहुत बधाई आपको। और अच्छा, आप पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब वगैरह? मैं अभी ग्रामीण कार्य विभाग में सरायकेला क्षेत्र में एक सहायक अभियंता के तौर पर अभी कार्यरत हूँ। अच्छा, वहाँ पे। और आप?
मैं असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। अभी तक सभी कोई तो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, स्टूडेंट अंदर में ही है, सर्टिफिकेट जिनको जिनको मिल रहा है वो सर्टिफिकेट लेके बाहर आ रहे हैं, और सभी कोई अपने अपने डिपार्टमेंट में जो है ग्रुपिंग फोटोशूट करवा रहे हैं, यादगार में यादगार बना के रखने के लिए सभी को जो है फोटोशूट करवा रहे हैं। अभी और एक गोल्ड मेडलिस्ट मिल गए हैं हमें, ये जो कि हमारे ही डिपार्टमेंट के हैं। तो भैया आपका नाम क्या बता सकते? मेरा नाम आर्यन, इंटीग्रेटेड मास कम्युनिकेशन MA, 2016 से 2021 बैच। ओके, तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपको गोल्ड मेडल मिला, आपको कैसा लग रहा है? हम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये गोल्ड मेडल आपको किसके हाथों से मिला? ये चांसलर के हाथों से। आपके डिपार्टमेंट में जो कि इतने सारे स्टूडेंट थे उनमें से केवल आपको गोल्ड मेडल मिला, तो क्या कहना चाहेंगे आपके जूनियर्स को, क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे पढ़ाई कर? पूरे थ्रू आउट आपको प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा। एग्जाम्स के पहले थोड़ा ज्यादा, एक दो दिन पहले ज्यादा आप मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि इतने सारे स्टूडेंट थे आपके डिपार्टमेंट में, तो उनमें से आप डिफरेंट इतना पढ़ाई कर लिए कि आपको गोल्ड मेडल मिल गया, तो आप किस टाइप से पढ़ाई करते? पढ़ाई बहुत ज्यादा डिफरेंट तो नहीं होता है, बस जो पढ़ाएगा उसको रिवाइज अच्छे से करेंगे तो फिर अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत खुशी हो रही होगी। तो आप यहाँ पे जो है इनकी माँ है, भैया की माँ है, तो इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है कि आपके बेटे को गोल्ड मेडल मिला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप कहाँ से हैं मैम? सिंहमोर से। अच्छा, सिंहमोर से। और यहाँ पे जो है भैया के, सीनियर भैया के जो है फादर भी है, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। ओके अशोक जी, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब अच्छे बच्चे लोग, सबको गोल्ड मेडल मिला, मेरे बच्चे को भी मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। लगता है अभी तक तो आधा कोई को सर्टिफिकेट मिल गया है, क्योंकि पहले तो पूरा ऑडिटोरियम भरा भरा लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा खाली होने लग गया है। तो आधे कोई को तो सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन आधे कोई को अभी सर्टिफिकेट देना बाकी है। और अभी शाम के 3 बज गए हैं, लगभग अभी शाम के 3 बज गए। अब कितना देर तक ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कितना कोई को अभी तक नहीं मिला है, देखते हैं। लगता है पूरा शाम हो जाएगा सर्टिफिकेट देने में। इधर भी फोटो शूट चल रहा है, ग्रुपिंग फोटो, जहाँ देख रहे हैं वहीं पे ग्रुपिंग फोटो शूट चल रहा है। किन्हीं किन्हीं गोल्ड मेडलिस्ट से बात की अभी, और उन लोग से कुछ कुछ जानकारी मिला। अभी क्या है ना कि सर्टिफिकेट अभी मिलते रहेगा ना। टोटल कितने स्टूडेंट है? 1500 कुछ स्टूडेंट है। तो अभी क्या लग रहा है, आज का दिन यहाँ कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सीनियर लोग से मिलकर अच्छा लगा, कुछ कुछ बात हम लोग को भी जानने को मिला। तो अभी जो है अभी सर्टिफिकेट मिलते रहेगा इन लोग को, उतना स्टूडेंट लग हो सकता है कि शाम हो जाए, रात हो जाए, पता नहीं कितना टाइम तक। लेकिन अभी जिनको जिनको मिला है उन लोग, जैसे कि आप लोग उधर से जो है जो जो बस से आए थे स्टूडेंट लोग जा रहे हैं, जिनको जिनको सर्टिफिकेट मिला वो लोग वापस घर की ओर निकल रहे हैं। और जिनको अभी अभी तो कुछ कुछ लोग वहाँ बैठे ही हुए हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट ऑडिटोरियम में बैठे ही हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल ही रहा है। जैसे ही उन लोग को भी मिल जाएगा, उन लोग भी घर के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।